हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो है मेरी मेरे पास टाटा की टिगोर है। इसका माइलेज क्या है, अगर आप इसको ट्रिप पे लेके जाते हो, कई 1000-1200 किलोमीटर के ट्रिप पे जाते हो, तो ये क्या माइलेज निकाल के देती और कितना आपकी जेब पे भारी पड़ेगी, कितना ये पेट्रोल पिएगी। सही सुना, कितना ये पेट्रोल पिएगी। पीती है भाई, माइलेज तो ये देती नहीं है, मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं इससे, भाई पेट्रोल पीती है ये। तो भाई क्या माइलेज निकल के आती है, कितना खर्चा बैठता है, अब मैं आपको बता देता हूं। मैं जाके आ चुका हूं, फिर आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं भाई कितना पेट्रोल इसने लिया है। 1200 किलोमीटर ऑलमोस्ट चले, 1254 किलोमीटर हम लोग चले हैं। अब 1250 मान लो, इसको टोटल इसने पेट्रोल लिया है 111.55, तो 111.50 लीटर मान लो। और पेट्रोल की प्राइस है अभी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पेट्रोल की जो प्राइस है वही रहेगी 108.43 एमपी के अंदर। राजस्थान का नहीं है, राजस्थान में हमने पेट्रोल दो जगह से फिल कराया, कोई 1-2 रुपए ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं है। तो भाई एमपी मोटा मोटा वहीं से टैंक फुल हुए, तो 108.43 रुपए पर लीटर इसका प्राइस था। अब इस जर्नी के अंदर कितना चली है और कितना क्या है वो सब आप आगे देखोगे। बाकी मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, एक गाड़ी का एसी ऑन था और गाड़ी की हमारी जो स्पीड थी 80 से 90 के बीच में स्पीड थी, लाइट फुट चलाई है और ट्रैफिक के अंदर इंदौर के अंदर चली, ओनली इंदौर के अंदर चली है ट्रैफिक में। उसके अलावा 50-60 किलोमीटर की ढलान थी, 50-60 किलोमीटर की चढ़ाई थी, जितना हम चढ़े थे जितना हम उतरे थे ना उतना ही हम वापस चढ़ के आए, कोई एक्स्ट्रा ऑफ रोडिंग भी नहीं करी है, कोई ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता भी नहीं था, रोड अच्छा था और मोस्टली 4 लाइन पे चली है, हाईवे पे चली है। जो भी है, जो आप माइलेज देखना आपकी आंखें फटके हाथ में आ जाएगी, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को पता है ये कितना देती है, मैं चला रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना और माइलेज का आप देखोगे ना, आपकी आंखें फट के हाथ में आ जाएगी क्या निकल के आया माइलेज। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो लोग हांडते फिरते हैं ना भाई, प्रो लेवल का माइलेज है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो माइलेज भी अच्छा है, ये बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ ठीक ठाक माइलेज है, ठीक ठाक भी नहीं है इसका, हकीकत बता रहा हूं, मैं चलाता हूं इसलिए पता है मेरे को। जो लोग हांडते फिरते कोई बुराई नहीं करता भाई, मतलब सबने पैसा खर्च करा, पैसा खर्चा आना, कोई अपनी गाड़ी की बुराई नहीं करता, पैसा खर्चा है, तुम तुम्हारी गाड़ी की बुराई मत करो, लेकिन कम से कम हकीकत तो बताओ इसकी, जो इसकी रियलिटी वो तो बताओ लोगों को, कि पता तो चले। जो लोग BS4 वाली यूनिट, अगर मान लो मेरे भाई बंधु जो BS4 वाली यूनिट अगर उनको पसंद आ रही है, कहीं पड़ी है तो वो लेना चाहते हैं, तो भाई पता तो चले बेचारे को कि लेने के बाद क्या होगा उसका, ये कार कितना इसकी जेब पे भारी पड़ेगी, तो भाई वो सारी चीजें, बाकी आप वीडियो देखो क्या कुछ है पता चल जाएगा। टिगोर चलाते हो और कहीं लंबा ट्रिप पे लेके निकलते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना कि गाड़ी से आप माइलेज की उम्मीद करो। भाई मैं तो कभी नहीं करता हूँ इस गाड़ी से उम्मीद, क्योंकि इसने आज दिन तक दिया ही नहीं कभी माइलेज। टोटल हमारी जर्नी रही है 1250 मान लो, 54 ऊपर 4 किलोमीटर हटा दो, 1250 किलोमीटर की जर्नी रही मान लो। और जो MID में माइलेज दिखा रहा है ना करंट ट्रिप ए का, ये आपके सामने है, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं है, जैसी चल के आई गाड़ी वैसी है। लास्ट टाइम फ्यूल रिफिल कराया था उसके बाद में गाड़ी इतना चली है, डिस्टेंस 155 किलोमीटर का और बता रहा है, ये इतना फ्यूल बचा हुआ है, टोटल ड्रिवन है 8 किलोमीटर, सारा कुछ है ये आपने देख लिया, ये इतना चली है और जो MID में माइलेज बता रही है वो आपके सामने है। अब मैं आपको एक बार पेट्रोल के बिल पर, इसमें से हाफ टैंक ऑलरेडी था, इतना का मैंने पहले ऑलरेडी डलवा रखा था, इतना सा फ्यूल रह रहा, खा गई सारा। अब इधर देखो आप, 30, 82, 27, 81, 35, 33 और प्लस 2500 का, इसमें ऑलमोस्ट 2500 का चाट गई इसमें से। तो भाई अब आप जोड़ लो, बैठ के कैलकुलेट कर लो कि कितना माइलेज देती है ये गाड़ी, टाटा की टिगोर। उसके बाद से मैं ऐड करते जा रहा हूँ, 35, 33, मैं पॉइंट ऑफ नहीं जोड़ रहा, मतलब टोटल जो राउंड फिगर है ना वो बता रहा हूँ, 35, 33 के बाद में 27, 81 प्लस 27, 81 के बाद में एक है 32, 82। तो भाई ये आपके सामने पेट्रोल की कैलकुलेशन है भाई, इतना है 12096, तो 12096 को कर लेते हैं अपन राउंड फिगर में, चलो 12100 रुपये कर लेते हैं, 12100 रुपये कर लेते हैं। MP के दिन पेट्रोल की प्राइस क्या है, 108.47 108.47 भाई, टोटल पेट्रोल जो जा रहा है हमारा 111 लीटर और 111.55, मतलब 11.55 लीटर पेट्रोल इसने ले लिया है, मतलब पूरी ट्रिप की माइलेज है ना, जो पेट्रोल कंजप्शन हुआ है उस पूरी ट्रिप की माइलेज निकल के आती है 11.21। भाई देख लिया माइलेज क्या निकल गया है, पता चल गया, आंखें फट गई ना, ये माइलेज है इसकी और टोटल पेट्रोल आया है 111.55, 50 मान लो, प्राइस मैंने बता ही दी है, किलोमीटर कितना चले मैंने बता दिया, अब क्या निकल गया है माइलेज, 11.55
26 माइलेज निकल के आती है औसत, इतना पेट्रोल लेती है ट्रिप पे जाने के बाद। तो भाई इतना भारी पड़ती है इसमें से, और पेट्रोल पेट्रोल का खर्चा है, टोल वोल सब अलग है। तो भाई यही थी माइलेज की वीडियो। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो लोग ऑन हाईवे BS4 वाली यूनिट का 23+ बताते, 24+ बताते टैंक टू टैंक, उनको ढूंढो और सड़क के पिछवाड़े पे 2-4 लाते मार के आओ कि क्या भाई क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों सोशल मीडिया पे हेट फैला रहा है, झूठ झूठ फैला रहा है। जो MP के अंदर रोड है, MP के अंदर इतने बुरे भी रोड नहीं है भाई, अच्छे खासे रोड है। राजस्थान से तो मैंने इधर में मेरे एरिया के जो रोड है उनसे तो काफी अच्छे लगे मेरे को। थी माइलेज की वीडियो, और जो लोग झूठ झूठ फैलाते हैं ना उनको पकड़ के सड़क पिछवाड़े पे 2 लात मार के आओ आप जाकर। ये थी वीडियो, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।